वेलकम बैक टू एके पॉली। दोस्तों, हम सब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की स्टडी कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है। और इस लेक्चर में दोस्तों हम सब यहां पर देखिए समांतर माध्य पढ़ेंगे, ठीक है ना। इससे पहले जो है हमने एक लेक्चर प्रोवाइड कर दिए हैं समांतर माध्य के, यदि ना देखे हो तो उसे जरूर देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों वो बहुत ही हेल्पफुल होगा आपको इस लेक्चर में, ठीक है ना। तो दोस्तों देखिए आज का हमारा क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। यदि ए बी सी, ठीक है दोस्तों, ए कामा बी कामा सी समांतर श्रेणी में है तो सिद्ध करें कि एक बटे बी सी कामा एक बटे सी ए कामा एक बटे ए बी समांतर श्रेणी में है, ठीक है दोस्तों। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक, और इसे हमें सिद्ध करना है। ओके दोस्तों, तो चलिए हम लोग हल करते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए दोस्तों, हम लोग को दिया है यदि ए कामा बी कामा सी समांतर माध्य में है तो सिद्ध करें कि ये समांतर श्रेणी में है, ठीक। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, माना एक बटे बी सी, ठीक है दोस्तों, कामा एक बटे सी ए कामा एक बटे ए बी, ठीक है दोस्तों, समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, ठीक है दोस्तों। ये कह दिया क्योंकि दोस्तों ए बी सी ए समांतर श्रेणी में है तो सिद्ध करें कि ये समांतर श्रेणी में है, क्योंकि देखिए दोस्तों ए और बी सी भी इसमें आए हुए हैं, इसलिए हमने क्या किया, मान लिए एक बटे बी सी कॉमा एक बटे सी ए कॉमा एक बटे ए बी समांतर श्रेणी में ही है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए अब क्या करेंगे दोस्तों, इसमें क्या करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। देखिए प्रत्येक पद में यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों, प्रत्येक पद में ए बी सी से गुणा करने पर दोस्तों देखिए जो भी हमारा सिद्ध करने वाला होता है ना क्वेश्चन, उसमें हम ये देखते हैं कौन सा लॉजिक लगेगा ताकि वो हमारा सिद्ध हो जाएगा, ठीक है ना। हम लोग को अपने खुद से लॉजिक लगाना रहता है कि क्या हम ऐसा लिखें जिससे ये हमारा समांतर श्रेणी में आ जाए, ठीक है ना। तो दोस्तों देखिए हम क्यों ऐसा लिए ए बी सी लिए हैं, क्योंकि दोस्तों देखिए यहाँ पर ए बी सी यदि यहाँ पर रख दिया जाए तो देखिए ये दो से दो कैंसिल हो जाएंगे, सैंपल इतने के बराबर आ सकते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिए कैसे, देखिए इतने से गुणा करेंगे ना इसमें, देखिए तो क्या हो जाएगा ए बी सी, इसमें देखिए इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, बटे में क्या दिया बी सी दिया, अब देखिए कामा दिया कामा लगा, अब देखिए प्रत्येक पद में क्या है ना, तो प्रत्येक पद में देखिए इसमें भी गुणा करेंगे ए बी सी बटे सी हो जाएगा दोस्तों, कामा इसमें भी करेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी सी बटे ए बी। ओके दोस्तों ध्यान दीजिए, देखिए इससे इससे ये कैंसिल हो गया दोस्तों, यहाँ देखिए सी से सी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, दोस्तों बचा क्या यहाँ पर ए बच गया हमारा कॉमा, यहाँ पर दोस्तों बी बच गया कॉमा, यहाँ पर सी बच गया, अतः दोस्तों क्या हो जाएगा, अतः ये दोस्तों बचा ना, ये क्या हो जाएंगे हमारे समांतर श्रेणी में हो जाएंगे, ठीक है ना, समांतर श्रेणी में है, ठीक है दोस्तों, प्रूव्ड, ठीक है दोस्तों, दिस इज द आंसर, ठीक है। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है दोस्तों, ताकि हम अगला क्वेश्चन लेकर आए। ओके दोस्तों, तो चलिए इसे रफ करते हैं। तो दोस्तों देखिए ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 लेकर चलते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिए, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, तो ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन को, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, यदि ए स्क्वायर कामा बी स्क्वायर कामा सी स्क्वायर समांतर श्रेणी में है तो सिद्ध करें कि एक बटे बी प्लस सी कामा एक बटे सी प्लस ए कामा एक बटे ए प्लस बी समांतर श्रेणी में होंगे, ये हमें क्या करना है दोस्तों, सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले दोस्तों हम बताएं आपको, जिसको सिद्ध करना रहता है उसको क्या करेंगे, सबसे कह लेंगे माना, सबसे पहले से कर लेंगे माना, माना क्या दिया है एक बटे बी प्लस सी कामा एक बटे सी प्लस ए कामा एक बटे ए प्लस बी, इतना हुआ दोस्तों, ये क्या है समांतर श्रेणी में है। ओके दोस्तों, आई होप आप लोगों को समझ में आया। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें हम लोग करते हैं क्या, देखिए जब हम लोग दो पदों के बीच समांतर ज्ञात करते हैं, ये जब देखिए समांतर श्रेणी में जब होता है तब हम क्या करते हैं समांतर ज्ञात करते हैं। देखिए समांतर क्या हुआ दोस्तों, इन दोनों के बीच दो पदों के देखिए कॉमन डिफरेंस, ठीक है, देखिए दूसरे पद में से पहला पद घटा देते हैं ना, तो एक बटे सी प्लस ए हो जाएगा, माइनस में एक बटे बी प्लस सी हो जाएगा दोस्तों, इतना समझ में आया। अब देखिए इसे समीकरण एक मान लीजिए, ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब इन दोनों पदों में देखिए समांतर क्या निकलेगा, समांतर ज्ञात करेंगे, देखिए पहला पद होगा दूसरा पद ही हो जाएगा इन दोनों में, ठीक है ना। तो दूसरे पद क्या है एक बटे ए प्लस बी, ये है, इसमें से इसको घटाएंगे एक बटे सी प्लस ए, इतना हो जाएगा दोस्तों, इसे समीकरण दो मान लीजिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर,
समीकरण एक व दो से, ठीक है, एक व दो से तुलना करने में देखिए क्या आता है हमारा, यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों ये वाला आ जाएगा एक बटे सी प्लस ए माइनस एक बटे बी प्लस सी इक्वल टू दोस्तों एक बटे ए प्लस बी माइनस एक बटे सी प्लस ए। इतना दोस्तों समझ में आया आप लोगों को? अब देखिए ध्यान से क्या करेंगे, अब देखते हैं दोस्तों इसका गुणा यहाँ पर कर दीजिए, इसका गुणा यहाँ पर जैसे आप लोग भिन्न का घटाना लगाते हैं सेम उसी तरह, ठीक है ना, इसको यहाँ पर कर देंगे हो जाएगा बी प्लस सी माइनस इसका यहाँ पर हो जाएगा सी प्लस ए दोस्तों, और इसका क्या होगा इसका गुणा इसमें होता है आपस में तो यहाँ पर हो जाएगा सी प्लस ए एक क्वेश्चन में दूसरे क्वेश्चन में बी प्लस सी ए क्वेश्चन में। इतना समझ में आया दोस्तों, इक्वल कर दीजिए इसका गुणा यहाँ कर दीजिए सी प्लस ए, इसी प्रकार माइनस में करेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों बी प्लस ए इसे क्वेश्चन में करते जाइए, ठीक है ना, देखिए ऐसा हो गया। मल्टीम क्या करेंगे ए प्लस बी दोस्तों एक क्वेश्चन में सी प्लस एक क्वेश्चन में दोस्तों, इतना समझ में आया। अब ध्यान दीजिए दोस्तों क्या होगा हम लोग का, ठीक है, अब ध्यान देंगे तो क्या मिलेगा देखिए b प्लस सी, ठीक है दोस्तों इसमें गुणा कीजिए माइनस सी प्लस माइनस माइनस से हो जाएगा दोस्तों बटे में ये जैसा है ऐसे लिख दीजिए, देखिए ध्यान से यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हमारा c है ना, यहाँ पर लिख देंगे ध्यान दीजिए दोस्तों यहाँ पर हमारा दिया है c प्लस a एक क्वेश्चन में दूसरे क्वेश्चन में b प्लस सी, ठीक है दोस्तों इक्वल टू करेंगे यहाँ पर देख लेते हैं सी है सी माइनस ए कर देंगे दोस्तों, यहाँ देखिए इसका माइनस का इस संदर्भ क्वेश्चन में गुणा कर रहे हैं, ठीक है ना, तो माइनस ए माइनस प्लस माइनस बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, बटे में ए प्लस बी एक क्वेश्चन में दूसरे क्वेश्चन में सी प्लस ए, ओके दोस्तों। अब ध्यान दीजिए हमें मिलेगा क्या, देखिए दोस्तों ये देखिए प्लस माइनस माइनस मतलब घट जाएगा सी सी, ठीक है ना, बचेगा क्या बी माइनस ए बचेगा दोस्तों, बी माइनस ए बचा बटे में दोस्तों क्या बचा हमें सी प्लस ए एक क्वेश्चन में दूसरे क्वेश्चन में बी प्लस सी बचा, इतना बचा दोस्तों। देखिए अब इक्वल करेंगे, इक्वल में क्या बचता हमारा देखिए यहाँ पर कुछ दोस्तों देख लीजिए ध्यान से, तो प्लस माइनस ठीक है प्लस माइनस ठीक ठीक है दोस्तों, इसमें देखेंगे दोस्तों हमें क्या मिल रहा है ध्यान से, इसमें देखेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर ए प्लस बी टू बी दोस्तों देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों सॉरी देखिए यहाँ पर प्लस हो जाएगा ना, यहाँ पर देखिए प्लस रहेगा हम माइनस यहाँ पर बोल कर लिख देते हैं, ठीक है ना, अब देखिए बिल्कुल सही, देखिए ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे आपस में घट जाएंगे बचेगा क्या सी माइनस बी बच जाएगा दोस्तों बटे में एक क्वेश्चन में ए प्लस बी दूसरे क्वेश्चन में सी प्लस ए है दोस्तों, तो इसे उतार दें, इतना हुआ दोस्तों। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए बी प्लस सी इधर भी है, यहाँ पर देखिए सी प्लस ए एक क्वेश्चन में इधर गुणा कर रहा है इधर भी गुणा सी प्लस ए कर रहा है, आपस में क्या हो जाएंगे यहाँ पर डिवाइड हो जाएंगे, तो देखिए दोस्तों क्या बचेगा हमारे पास यहाँ पर बच जाएगा b माइनस ए है ना, तो यहाँ पर लिख दीजिए b माइनस ए बटे में क्या बचेगा दोस्तों b प्लस सी इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों c माइनस बी कर देंगे, ध्यान दीजिए नीचे बचा a प्लस बी कर देंगे, इतना आया दोस्तों। अब देखिए ध्यान से इसको क्या करेंगे, इसका गुणा यहाँ पर होता है इसका गुणा यहाँ पर होता है दोस्तों, ठीक है ना, ध्यान दीजिए इसे कर देंगे बी माइनस ए एक कोष्टक में ऐसे, ठीक है, ये देखिए प्लस में है इसको इधर उधर कर सकते हैं, इसे यहाँ पर क्या करेगा दोस्तों गुणा करेगा, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे इस पद के रूप में लिख देंगे मतलब b प्लस a कर देंगे दोस्तों, ठीक है ना, दोनों प्लस में है, ठीक। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर इसका गुणा हो जाएगा तब क्या होगा, इक्वल पहले कीजिए इक्वल हो गया c माइनस बी है ना, c माइनस बी कर दीजिए दूसरे क्वेश्चन में दोस्तों कर देंगे c प्लस बी हो जाएगा c प्लस बी, ठीक है ना दोस्तों, देखिए माइनस ए से यहाँ पर गुणा किए, ठीक है ना, इस पद में आएगा माइनस सी से यहाँ से गुणा किए, ठीक है ना, तो माइनस माइनस आपस में कट जाएंगे, ठीक है ना, माइनस एक से गुणा करेंगे एक पक्ष क्या हो जाएंगे परिवर्तन हो जाएंगे, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा इसका भी पक्ष परिवर्तन हो जाएगा सेम टू सेम, ठीक, इतना हुआ दोस्तों। अब देखते हैं ध्यान से यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए दोस्तों एक फार्मूले के रूप में बन रहा है ना, देखिए आप लोग फार्मूला पढ़े एक क्वेश्चन में ए माइनस बी दूसरे क्वेश्चन में ए प्लस बी, किसका फार्मूला होता है दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो दोस्तों देखिए इसमें ए का मान क्या दिया है बी है ना, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है ना, तो देखिए ए का मान क्या दिया है यहाँ पर a दिया है a स्क्वायर, ठीक है दोस्तों a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, a का मान b दिया तो b का स्क्वायर माइनस वहां पर b का मान यहां पर क्या दिया a तो a का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों इक्वल टू कर दिए, ये भी देखिए सेम उसी प्रकार दिया है मतलब एक क्वेश्चन में a माइनस b दूसरे क्वेश्चन में a प्लस b, तो दोस्तों क्या हो जाएगा मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इस प्रकार कर देंगे अतः दोस्तों लिख देंगे इसीलिए, ठीक है दोस्तों इसीलिए a स्क्वायर, ठीक है ना, a स्क्वायर कॉमा b स्क्वायर कॉमा c स्क्वायर
समानता श्रेणी में होंगे। ठीक है दोस्तों, हमारा प्रूफ हुआ समानता श्रेणी में होंगे। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आया, दिस इज द आंसर दोस्तों। ठीक है ना, ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है ना, अतः समानता श्रेणी में होंगे। ठीक दोस्तों, तो चलते हैं दोस्तों इसे आप लोग इसके साथ ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ले लीजिए और इसे हम रफ करते हैं ताकि एक क्वेश्चन और इस लेक्चर में रहेगा दोस्तों, उसे बता दें, उसके बाद लेक्चर पूरा हो जाएगा हमारा। ठीक है ना, चलिए तो दोस्तों चलिए ये क्वेश्चन लास्ट है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है दोस्तों, जो कि ये क्वेश्चन आपके 2016 के एग्जाम में आया था। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है, अच्छे समझने का प्रयास कीजिएगा, हम पूरे अच्छे समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, ध्यान दीजिए, किसी समांतर श्रेणी का चार संख्याओं का योगफल, ठीक है, किसी समांतर श्रेणी के चार संख्याओं का योगफल, के चार संख्याओं का योगफल, ठीक है दोस्तों 20 है और उनके वर्गों का योगफल 120 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, इतना है दोस्तों। तो ध्यान दीजिए, दिया क्या है, यहां देखिए किसी समांतर श्रेणी का चार संख्याओं का योगफल इतना है, तो उनके वर्गों का योगफल 120 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं दोस्तों, माना वह संख्या, ऐसा क्वेश्चन दोस्तों पिछले लेक्चर में हम आपको एक बता चुके हैं, दूसरा बता रहे हैं। ठीक है ना, माना वह संख्या दोस्तों क्या है, हम आपको बताए हैं पिछले लेक्चर में, बता दिए थे जब सूत्र लिखाए थे, जब चार का पूछेगा तो चार क्रमागत पद वाला वही लिखेंगे दोस्तों, क्या होता है हमारा a माइनस थ्री डी कॉमा a माइनस डी कॉमा a प्लस डी कॉमा a प्लस थ्री डी। ठीक है दोस्तों, देखिए एक माइनस में एक प्लस में एक माइनस एक प्लस, इसका मतलब सही है दोस्तों। ठीक है ना, माना वह संख्या ये है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब देखिए चार संख्याओं का योगफल यही कहा है, इसीलिए मतलब अतः लिख दीजिए, अतः प्रश्न के अनुसार दोस्तों अतः लिखेंगे प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त से। ओके दोस्तों, प्रथम शर्त से, ठीक, प्रथम शर्त से देखिए क्या कह रहा है, इन चार संख्याओं का योगफल 20 है, मतलब चार संख्याओं का योगफल करेंगे, देखिए a माइनस थ्री डी प्लस करेंगे क्या, a माइनस डी प्लस करेंगे, a प्लस डी प्लस करेंगे, a प्लस थ्री डी इक्वल टू किसके दोस्तों, 20 के, तो 20 लिख दीजिए यहाँ पर, इतना समझ में आया। अब ध्यान दीजिएगा, इतना होने के बाद देखिए 3d है ना, माइनस में 3d है, प्लस में 3d है, प्लस माइनस माइनस घट जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, ये घट के जीरो हो जाएगा, और ध्यान दीजिए माइनस डी प्लस डी से घट के जीरो हो जाएगा, बचा क्या a a a a, मतलब a के दो तीन चार है, चार a इक्वल टू किसके दोस्तों, 20 के, तो देखिए दोस्तों ये बराबर कितना आया, 5 आ गया ना। अब देखिए इतना आया, अब कहेंगे क्या दोस्तों, दूसरी शर्त से। ठीक है दोस्तों, देखिए दूसरी शर्त हमारी क्या करें, और उनके वर्गों का योगफल, इनके वर्गों का योगफल 120 है, इनका वर्ग कीजिए दोस्तों यहाँ पर a माइनस थ्री डी का वर्ग, वर्गों का योगफल भी क्या है दोस्तों, वर्ग करके योगफल करना है, फिर देखिए a माइनस डी कराना वर्ग कीजिए प्लस योगफल, a प्लस डी का वर्ग कीजिए प्लस योगफल, a प्लस थ्री डी का वर्ग कीजिए प्लस योगफल इज इक्वल टू किसके दोस्तों, 120 के दिया था, 120 कर लेंगे। आई होप दोस्तों समझ में आया इतना आप लोगों को, देखिए ध्यान से। अब दिया क्या हमारा, इसका होगा क्या, a माइनस b का होल स्क्वायर आप लोग जानते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे कर लीजिए a माइनस b का होल स्क्वायर होता क्या है, देखिए होता हमारा, हम यहाँ से लिख रहे हैं ए स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस टू ए बी होता दोस्तों, टू ए बी, देखिए टू हो जाएगा, a का मान a है, b का मान 3 है, ठीक है, दो तीन छह सीधे हम कर दे रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना, छह ए डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, प्लस में बी का स्क्वायर होता है, मतलब थ्री डी का स्क्वायर, मतलब तीन त्रिका नौ डी स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। आई होप, अब देखिए ये देखिए प्लस हुआ प्लस, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया ए माइनस डी का स्क्वायर, ठीक है ना, अब देखिए ए माइनस डी का स्क्वायर है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी होता है ना, टू ए डी हो जाएगा दोस्तों, प्लस डी का स्क्वायर, डी का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर प्लस दिया प्लस, a प्लस डी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू ए डी हो जाएगा यहाँ पर, प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा, इतना समझ में, प्लस हुआ है तो प्लस उतार दीजिए यहाँ पर, देखिए इसका करेंगे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस टू ए बी होता है ना, तो दो तिहाई छह ए डी है, तो ए डी लिख देंगे दोस्तों, प्लस बी का स्क्वायर मतलब थ्री डी का स्क्वायर, तीन त्रिका नौ हो जाएगा, डी का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, इक्वल टू 120 के हो जाएगा हमारा, इतना समझ में आया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए, माइनस में छह एडी है ना, छह एडी प्लस में छह एडी कैंसिल हो गए दोस्तों, घट जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, माइनस में टू एडी प्लस में टू एडी, ये भी आपस में डिवाइड हो गए दोस्तों। ठीक है ना, अब ध्यान से देखिए हमें मिल रहा है क्या,
यहाँ पर बचा क्या दोस्तों, देखिए एक ए स्क्वायर एक ए स्क्वायर एक ए स्क्वायर एक ए स्क्वायर, मतलब टोटल एक दो तीन चार, मतलब फोर ए स्क्वायर, इतना समझ आया दोस्तों। अब ध्यान से देखिए d कितने मिले हैं, d स्क्वायर देखिए 9 d स्क्वायर 9 ये 10 d स्क्वायर 10 की 11 d स्क्वायर 11 9 20 20 d स्क्वायर, वो भी किसमें प्लस में 20 d स्क्वायर मिले, ठीक है दोस्तों। इक्वल टू किसके 120 के, 120 हो गया दोस्तों। अब ध्यान दीजिए 4 a स्क्वायर दिया, a का मान दोस्तों यहां पर हमें पता है, ठीक है ना। तो यहां से देखिए यहां गुणे करेंगे, a की जगह 5 का मान रखेंगे, 5 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 20 d है तो 20 d का स्क्वायर कर देंगे इक्वल टू 120 है ना, तो 120 लिख देंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ चार है ना, चार किए गुणे 5 5 25 प्लस 20 डी स्क्वायर प्लस एक बराबर 120, ठीक है दोस्तों। देखिए 25 चौका 100 प्लस 20 डी स्क्वायर किए दोस्तों 120 के बराबर हो गया, ठीक है ना। अब देखिए 20 डी स्क्वायर है ना, तो 20 डी स्क्वायर कर दीजिए 120, इसको इस पक्ष में ले जाएंगे दोस्तों, माइनस में 100 हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या है, इक्वल करेंगे क्या होगा 20 डी स्क्वायर है ना, 20 डी स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको मैं लिख दीजिए ना, ठीक है ना, यहाँ पर हो गया इतना इक्वल टू, इसमें से घटाएंगे 20 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए 20 20 से कैंसिल, डी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो डी बराबर दोस्तों ये देखिए 1 क्या होगा, कड़ी होता है तभी भी उसका मान 1 ही होता है, ठीक है ना दोस्तों, ये क्योंकि स्वतंत्र पद होता है, ठीक है ना। एक हुआ, अब देखते हैं दोस्तों एक आया ना, तो हमें क्या ज्ञात करना था, वह संख्या ज्ञात करना था। अब ए और डी का मान इसमें रख देंगे, सेम हमारा आंसर निकल जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे अतः अतः संख्या बराबर, संख्या बराबर, ठीक है दोस्तों। संख्या बराबर क्या, ए माइनस थ्री डी, ए का मान लिखिए, ए का मान क्या है दोस्तों 5 है ना, तो 5 लिख देंगे, माइनस है माइनस, देखिए दोस्तों 3 डी का मान लिखा ना, 3 एक कम 3 हो जाएगा दोस्तों, हम सीधे लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका मान कितना हो गया दोस्तों, ध्यान दीजिए ऐसे कर दिए, अभी नीचे लिख दे रहे हैं। अब देखिए a - d, a का मान दोस्तों कितना है 5 है ना, 5 लिख दीजिए, माइनस d का मान दोस्तों 1 है तो 1 लिख दीजिए कॉमन। यहां पर a - d, a का मान 5 है, d का मान 1 है, ये भी प्लस में कर दिए। अब देखिए कॉमन लगाइए, a का मान 5 है, 5 लिख दीजिए प्लस 3 है ना, 3 हो गया, 3 1 जा 3, d का मान 1 है ना, 3 1 जा 3, ठीक है ना, इतना समझ में आया। अब ध्यान दीजिए 5 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा, कॉमन लगाइए 5 में से 1 घटाएंगे 4 हो जाएगा दोस्तों, 5 में जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 5 में 3 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आया, ये हमारा दिस इज द आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना, चारों संख्याएं ये हमारी निकल आएंगी, ठीक है ना। आई होप दोस्तों ये आपको अच्छे से समझ में आया, और इसी लेक्चर के साथ ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समाप्त होता है, और अगले लेक्चर में दोस्तों हम सब मिलेंगे गुणोत्तर श्रेणी के साथ, ठीक है ना दोस्तों। तब इसे आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए दोस्तों, ठीक है ना, हम अगले लेक्चर में मिलते हैं गुणोत्तर श्रेणी के साथ। और दोस्तों यदि आप लोगों को हमारा वीडियो मतलब लेक्चर यदि पसंद आए तो उसे शेयर सब्सक्राइब एवं कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है दोस्तों, और उसे बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो होंगे हमारे सबसे पहले आपके पास आएंगे, क्योंकि दोस्तों हम BME, ठीक है दोस्तों, जिसे बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कहते हैं, और मैथमेटिक्स, और तीसरे नंबर पे दोस्तों जो है हमारा इंजीनियरिंग डाइन और बिल्डिंग डाइन, ये भी सब आपको हमारे चैनल पे मिलेंगे, ठीक है ना दोस्तों। फिलहाल अभी के लिए BME और मैथमेटिक्स ही चल रहा है, ये समाप्त होने के बाद आपको इंजीनियरिंग डाइन और बिल्डिंग डाइन जरूर मिलेंगे, ठीक है ना दोस्तों, और भी अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। तो दोस्तों अगले लेक्चर में मिलते हैं गुणोत्तर श्रेणी के साथ, ठीक है, तो दोस्तों अच्छे से पढ़ते रहिए, जय हिंद दोस्तों, टेक केयर।